दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सशर्त जामीन मंजूर झाल्यानंतर त्यांची तुरुंगातून सुटका झाली आहे. केजरीवाल यांच्या सुटकेचं इंडिया आघाडीतल्या नेत्यांनी स्वागत केलंय, तर बेलवाला सीएम अशी टीका भाजपानं केली आहे. अखेर केजरीवाल तुरुंगातून सुटले. कार्यकर्त्यांची ऐन पावसाळ्यात दिवाळी. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयानं दिलासा दिलाय. तब्बल 156 दिवसांचा तुरुंगवास भोगून केजरीवाल अखेर बाहेर आले. आपच्या कार्यकर्त्यांनी साहजिकच जल्लोष केला. कुठं घोषणा दिल्या जात आहेत, कुठं फटाके फोडले जात आहेत, कुठं मिठाई वाटली जाते. या सुटकेनंतर आप नेत्यांनी भाजपवर शरसंधान चाललंय. हम सब खुश हैं, हम लोग बहुत देर से इस न्याय की उम्मीद कर रहे थे, आज न्याय हुआ है. आप सच को दबा सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते. भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है. आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है. और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं. लगता है कि बहुत ज्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते. ये हमारे हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है. हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था. एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था. लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं. लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं उनकी. आज दुआएं सफल हुई हैं. मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं. मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी. भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया. वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं. उनका मकसद ये है. दिल्ली मध्य धोरण घोटाळा प्रकरणी केजरीवाल यांना ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर प्रकरणात सीबीआयची एंट्री झाली. ईडीच्या प्रकरणी कोर्टानं आधीच केजरीवालांना अंतरिम जामीन दिलाय, तर सीबीआय प्रकरणी कोर्टानं 5 सप्टेंबरला निर्णय राखून ठेवला होता. आज अखेरीस केजरीवालांना जामीन मंजूर करण्यात आलाय. इंडिया आघाडीनं सुटकेचं स्वागत केलंय. इतक्या दिवसांचा लढा आज सत्याच्या मार्गानं निघाला. अधम मार्गानं एखाद्याला नामोहरम करण्याचा कट लोकशाही बुलंद असणाऱ्या देशात कधीच यशस्वी होणार नाही, अशी भावना केजरीवाल यांना मिळालेल्या जामीनातून पक्की झाली असं शरद पवारांनी म्हटलंय. जिस तरह से वो लड़ रहे हैं वो एक एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगने लगा है कि दबाव यंत्र जो है वो अपोजिशन पे करना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए. तो अगर आप गलत एग्जाम्पल सेट करें तो ऐसे भी एग्जाम्पल है, जैसे लोग जेल में गए, जेल काट के आए, लेकिन फिर भी अपने विचारों से नहीं पीछे हटे, अपने विचारों के साथ पक्के रह गए. तो मैं न्यायिक प्रक्रिया का बहुत धन्यवाद दूंगी कि उनको बेल मिल गई है. मुझे लगता है आने वाले वो दिनों में और सक्रिय होंगे और अच्छा काम करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये पाया है कि ये केस जमानत के योग्य है. जन्नाटेदार करारा तमाचा है ये मोदी सरकार पर, जो अपने जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जांच की, उनका दुरुपयोग एक फ्रंटल संगठन के तौर पर करके. देखिए, मैं सीधे तौर पर कहता हूं, ये होना था और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे. जब आप सत्ता में नहीं होंगे, ये एजेंसीज आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगी, तभी भी हमें बुरा लगेगा, क्योंकि वेंडेटा नहीं, पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं होनी चाहिए. अरविंद केजरीवाल यांची तुरुंगातून सुटका झाली असली तरी त्यांना कोर्टानं कुठलीही मोकळीक दिलेली नाही. या सशर्त जामिनातल्या अटीही तितक्याच कठोर आहेत. केजरीवाल यांना त्यांच्या कार्यालयात जाण्यावर निर्बंध असणार आहेत. या प्रकरणी ते कोणतंही वक्तव्य किंवा भाष्य करू शकणार नाही. आवश्यक असल्याशिवाय कोणत्याही सरकारी फाईलवर स्वाक्षरी करणार नाही. त्यांच्या खटल्याबाबत कोणतेही सार्वजनिक विधान किंवा टिप्पणी करणार नाही. कोणत्याही साक्षीदाराशी कोणत्याही प्रकारे बोलणार नाही. या प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही अधिकृत फाईलमध्ये केजरीवालांना प्रवेश नसेल. गरज भासल्यास ते ट्रायल कोर्टात हजर राहून तपासात सहकार्य करतील. या अटी शर्तींमुळेच भाजपनं मात्र या सुटकेनंतर केजरीवाल आणि आप सरकारवर टीका केली आहे. बेलवाला सीएम असं म्हणत त्यांनी केजरीवालांवर निशाणा साधलाय. भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है. कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है
उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है। और यह कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। केजरीवाल यांच्या तुरुंगातून बाहेर येण्याने आप कार्यकर्ते खुश असले तरी पंजा आणि नख बांधून ठेवलेल्या वाघासारखी त्यांची अवस्था कोर्टाच्या अटीशर्तींमुळे होऊ शकते। पण आपल्या बंडखोर वृत्तीसाठी प्रसिद्ध असलेले केजरीवाल यातील कोणत्या अटी पाळतात आणि कोणत्या मोडतात हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल। एक नक्की, त्यांच्या सुटकेनं दिल्लीचं पुन्हा राजकीय कुरुक्षेत्र होणार हे आठ। ब्युरो रिपोर्ट, पुढारी।